ओम या श्री स्वयं सुगतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतिदयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदाम गुलजना प्रभव सलज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए मई के मध्य भाग में ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, मई का मध्य भाग जो है वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष का समय रहेगा, और ऐसे में वैशाख का महीना यदि आप देखें तो इस महीने में बुध और बृहस्पति का बड़ा विचित्र संयोग हो रहा है। 5 बार बुधवार पड़ रहा है इस वैशाख के महीने में, 5 बार ही बृहस्पति का योग पड़ रहा है, बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है। और ऐसे में शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 5 बृहस्पति का योग होना किसी एक महीने के अंदर ये पश्चिम देशों के लिए शुभ नहीं होता, और वहाँ पर रक्तपात के योग बनते हैं, युद्ध के योग बनते हैं। और यही स्थिति आप कमोवेश देखें कि पिछले पूरे वैशाख के महीने में क्या स्थिति रही है, कहीं युद्ध कहीं कुछ और जो लगातार चल रहे हैं, और यही योग आगे बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो मंगल राहु की युति चल रही है मीन राशि में, और यदि वृषभ राशि में देखें तो बृहस्पति के परिवर्तन होने के बाद से गुरु और शुक्र दोनों अस्त चल रहे हैं, और उनकी युति विशेष तौर पर आगे जाके बनती दिखाई देगी। लेकिन अभी मई के मध्यकाल में तो दोनों की अस्त की स्थिति है, वो विशेष तौर पर त्रासदी के योग दिखाती है। मौसम की मार पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बड़े विचित्र रूप से पड़ सकती है। कहीं सूखा पड़ सकता है, कहीं अतिवृष्टि हो सकती है, कहीं तूफान आ सकते हैं, कहीं विशेष तौर पर बवंडर इत्यादि के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना कहीं ना कहीं कष्ट में हो सकता है। तो लोगों को अपनी राशि के अनुसार से, अपने जन्मपत्री के अनुसार से देखते हुए, समय को पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह दृष्टिकोण तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया ओवरऑल तरीके से, लेकिन आपके ग्रह आपकी राशि के अनुसार से, यानी सिंह राशि वालों के लिए इन ग्रहों की युति कहाँ कुछ क्या खेल करने वाली है वो आपको विशेष तौर पर समझना चाहिए। सिंह राशि के दृष्टिकोण से मंगल राहु की युति चल रही है, वो अष्टम भाव में चल रही है, और साथ साथ सूर्य और जो की युति जो बृहस्पति के साथ होने जा रही है, जिसके कारण से बृहस्पति अस्त हो गए हैं, वो दशम भाव में विराजमान है। और शुक्र महाराज जो हैं, यदि दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि अस्त चल रहे हैं, वो विशेष तौर पर मेष राशि में भाग्य में स्थान में बैठे हुए हैं। तो भाग्य में बैठे हुए शुक्र और वो भी अस्त है, और विशेष तौर पर दशम भाव में बैठे हुए बृहस्पति वो भी अस चल रहे हैं। तो इन सब ग्रहों की युति आपके लिए क्या कुछ खेल करने वाली है, इन सबको आप सिलसिलेवार तरीके से समझें। 11 जो मई का दिवस है वो शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और इस दिन मिथुन राशि में चंद्रमा का योग दिखाई देता है। ओवरऑल ग्रह आपके लिए चंद्रमा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाभ की तरफ इंगित करते हैं, लेकिन बृहस्पति का अस्त होना विशेष तौर पर ये आपके लिए समस्याओं को उत्पन्न करने वाला रहेगा। ऐसे में लाभ तभी होगा कि जब बहुत ज़्यादा लालच ना करें। लालच में दोनों गए माया मिली न राम, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, देखिए भद्रा का योग है जो दोपहर को करीब करीब 2:30 बजे के वजह से आरंभ होगा, तो उससे पहले पहले नए कार्य आरंभ करने हो तो उसका लाभ मिल सकता है, उसमें आप दिमाग लगा सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, ऐसे में ग्रह जो हैं कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग देते हैं, तो ऐसे विघ्नहर्ता गणेश जी को विशेष तौर पर सुंदर तरीके से उनका पूजन करें, उनको सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान जी का उपासना करें। ये सारे के सारे ग्रहों का योग अशुभ जो प्रभाव है उसको ठीक करने के सुंदर योग बना सकते हैं। वहीं 12 तारीख के दिन बात करें तो शनि रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, मिथुन राशि में ही चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है जो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ऐसे ग्रहों की स्थिति को आप समझें कि बृहस्पति महाराज और साथ साथ शुक्र महाराज दोनों ग्रह विशेष तौर पर आपके इन दिनों अस्त चल रहे हैं। मंगल और राहु की युति अष्टम भाव में चल रही है, और जो बड़े लोगों से संपर्क साधने के रास्ते तो बनाती है लेकिन एक जगह टिकने नहीं देती, बहुत ज़्यादा भ्रमक स्थिति हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा घूमने, एक जगह स्थिरता से कार्य करने में दिक्कत आएगी। वाणी का ध्यान रखिएगा, कुछ भी बोल बात बोलते हुए विशेष तौर पर संयम रखने की ज़रूरत है। एकदम जल्दीबाजी में अपना सजेशन देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, लोग वैसे ही आपको एरोगेंट कहते हैं, लेकिन ऐसे में और ज़्यादा एरोगेंसी छलकाना अननेसेसरी कष्ट को देने वाला होगा। भगवान सूर्य का ध्यान करें, इस वक्त सूर्य आपके कीर्ति वाले स्थान में विद्यमान है, तो भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दें, उनके मंत्र का जप करें, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 13 तारीख का अवसर, 13 मई ग्रहों का योग दिखाता है, वैशाख के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सोमवार का अवसर, अद्भुत योग है। यहाँ पर ग्रह दृष्टिकोण से आपके लिए परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करते हुए राशि में सुबह 5:09 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, स्वग्रही होकर 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा 12वें भाव में विशेष तौर पर यदि हम देखें तो स्वग्रही होकर विराजमान होना एक तरह से मनोमस्तिष्क को कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है, और ऐसे में 12वें भाव के अंतर्गत जिसके मोक्ष का भाव माना जाता है, थोड़ा सरल भी व्यक्ति को बनाता है। लेकिन
आपका जो सिंह राशि है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसे भाव लाता है कि सिंह सबके साथ मिलकर चलने में दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा आपको अपने आप को सरल बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह शिव का ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग भी सुंदर तरीके से विद्यमान हो गया है, तो करीब करीब 11:30 बजे से नए कार्य को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है कि बड़े कार्य जो विशेष तौर पर बड़े मकान इत्यादि का मुहूर्त करना हो, छोटे मोटे मुहूर्त करने के लिए दिन ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, लेकिन बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त होने के कारण से बड़े कार्यों को आरंभ करने से पहले शुभ मुहूर्त लग्न शुद्धि अवश्य करानी चाहिए। वो अभी समय है, करीब करीब अगला महीना पूरा इसी प्रकार से इन ग्रहों के अस्त शुक्र के अस्त होने की स्थिति से निकलेगा, क्योंकि सूर्य और जो शुक्र है आसपास बहुत सन्निकट चलते रहेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव का सुबह सुबह ध्यान करते हुए उनका जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, यह आपके लिए सुंदर रास्ते बनाएगा, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करेगा। 14 मई की बात करें तो मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विराजमान है और ये सप्तमी तिथि बहुत सुंदर है क्योंकि गंगा सप्तमी का योग है। माँ गंगा का पदार्पण सुंदर रूप से कहा जाता है कि भगवान के आशीर्वाद से इस धरा में कल्याण करने के लिए हुआ है, और ऐसे में इसको जाह्नवी सप्तमी भी कहा जाता है कि भगवान महर्षि के जंघा से उत्पन्न हुई भगवती, और कहा जाता है कि जब इस समस्त गंगा के जल को देवताओं के किसी कार्य के लिए पूर्ण करने के लिए ऋषि ने पूरा पान कर लिया था, तो उस वेग का धारण जाह्नवी जो विशेष तौर पे गंगा का नाम पड़ा है वो ऋषि की जंघा से उन्होंने निकलने के बाद इसीलिए उनका जाह्नवी नाम रखा गया। और गंगा सप्तमी सुंदर तिथि है, इस दिन विशेष तौर पे अपने पुण्यों को जगाने के लिए पूर्वजों के निमित्त सुंदर कार्य करने के लिए उनकी तृप्ति के लिए अवश्य पुण्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ इस 14 तारीख के दिन हम देखें तो उस दिन सूर्य भी परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, वृषभ राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं और वृषभ राशि में दशम भाव में बैठकर आपकी राशि के अनुसार से भाग्य से निकलकर दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये कीर्ति का वृद्धि का योग देंगे और साथ साथ आगे बढ़ने के सुंदर मार्ग प्रशस्त करेंगे। सूर्य का राहु से आगे आ जाना आपकी राशि के अनुसार से सुंदर उन्नति का योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में ग्रहों के निमित्त आपको सुंदर जो उपाय करना, हमने कहा गंगा से भगवान शिव का स्नान कराएं, पितरों के निमित्त तर्पण करें और हो सके तो विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त अर्घ भी देने का प्रयास करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 मई का दिवस है वो विशेष तौर पर बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विराजमान है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सूर्य की राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे करीब करीब दोपहर को ग्रहों के दृष्टिकोण से 3:24 पर। यह आपके अंदर नई शक्ति का संचार करता दिखाई देगा। जो 2-3 दिन से थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं उच्चाट हो रहा था, स्लो हो गया था, वो अब नई शक्ति के साथ ग्रहों में परिवर्तन करने के योग बना रहा है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जातक नए जन्म ले रहे हैं अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग जो आरंभ हो रहा है 14 तारीख की दोपहर से लेकर वो करीब करीब 16 तारीख तक रहेगा। अश्लेषा और मघा नक्षत्र विशेष तौर पर गंडमूल के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको अवश्य अपनी मूल शांति कराने का प्रयास करना चाहिए और जिन्होंने बाल्यकाल से नहीं कराई है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार उनके जीवन में कई कष्ट इस मूल ग्रह की अशांति के कारण ही बनते हैं, मूल नक्षत्र के कारण जन्म लेने से, तो अवश्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 27,000 मूल मंत्र का जप 27 दिन तक किया जाता है। जिस दिन ये नक्षत्र आए उस दिन से लेकर 27 दिन अगले बार जब आएंगे तो उन दिनों 27 जगह का पानी, 27 जगह की मिट्टी लेकर उसके द्वारा अभिषेक कर पूजन कर सुंदर तरीके से नित्य प्रति हजार मंत्र का जप करते हुए मूल शांति अवश्य करा लेने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कई बार ग्रहों का योग अनिष्ट करने के योग देता है। देखिए इस दिन बगलामुखी जयंती भी है, माँ भगवती बगलामुखी की सुंदर आराधना शास्त्र में कई प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाली कही जाती है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कीले बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओम, ये भगवती का दिव्य मंत्र है। कहा एक बात समझें कि कई बार इस बात को कहा था कि भगवती हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग देते हैं, ये तो है ही है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में जो ऐसे कर्म होते हैं जिनसे कहीं निवृत्ति का मार्ग भी नहीं मिलता है, तो उनके विभिन्न स्वरूप हैं भगवती के और विभिन्न मंत्र भी हैं, उनके अलग अलग बीज हैं। ओम ह्रीं शब्द भी है, ओम ह्रीलिंग भी है, ओम ह्रीं भी है, तो इन सब के अलग अलग उपयोग शास्त्र में बताए गए हैं। तो भगवती का एक बड़ा सुंदर बीज है जिसको उनका प्रसन्नता बीज कहा जाता है, ह्रीलिंग, ओम ह्रीम, ह के पैर में र फिर ल बड़ी की माता, ये जो बीज है ये भगवती का प्रसन्नता बीज कहा जाता है। इसी पीले वस्त्र भगवती के निमित्त अर्पण करते हुए, भगवती का इस मंत्र से जप करते हुए पीले पुष्पों की माला भगवती को अर्पित करना संपूर्ण रूप से
कष्टों को दूर करने वाला रहेगा और संपूर्ण रूप से विजय दिलाने वाला रहेगा। तो इस दिन सुंदर तरीके से आप इनका पूजन करके और अनेक प्रकार से लाभ लेने के योग बना सकते हैं। 16 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन भी विराजमान है और मघा नक्षत्र का योग रहेगा। मूल शांति के लिए ध्यान रखिएगा, जिनका जन्म हो रहा है उनकी मूल शांति अवश्य कराने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग अयोग आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छे योग बनाएगा और लाभ के योग प्रशस्त करेगा, नई शक्ति का संचार करता दिखाई देगा। ऐसे में पीली चीज़ों का दान करें। और इस दिन जानकी नवमी भी है, माँ भगवती जो है इस दिन इस धरा से उत्पन्न हुई थी भगवती सीता जी, तो उनका विशेष तौर पर पूजन करने का दिन रहता है। उनके मंदिर में जाकर उनको विशेष तौर पर लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित करने का प्रयास करें, उनका पूजन करें। सुंदर तरीके से माँ भगवती के आशीर्वाद से समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे। कभी जीवन में कष्ट आ रहा हो, अद्भुत प्रकार से आयु की समस्या हो, तो जैसे भगवती ने हनुमान जी को अजर अमर का वरदान प्रदान किया था कि माँ भगवती की भक्ति से ये सुंदर प्रकार से लाभ के योग बनते हैं, तो इसलिए माँ भगवती का प्रताप समझते हुए इस दिन विशेष तौर पर यदि स्वास्थ्य की कामना से भी भगवती का दीर्घ आयु के लिए ही भगवती का सुंदर पूजन करने से कल्याण के योग बनते हैं। इसलिए माँ भगवती की अनंत श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ माँ भगवती की उपासना करने से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। 17 मई के लिए हम बात करें तो ग्रहों का योग आयोग दिखाता है। शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि, रवि योग विद्यमान है और ग्रहों का योग आयोग आपकी राशि के अनुसार से आप में नई शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रहों में शुक्र जो है थोड़ा कमजोर चल रहा है, बृहस्पति थोड़े कमजोर चल रहे हैं, तो गौ पूजन करें, गाय को विशेष तौर पर हरा चारा इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें, इससे दोनों ग्रहों को शक्ति प्राप्त होगी। देखिए शुक्र जो है आनंद के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, वहीं बृहस्पति भी ज्ञान के प्रतीक हैं। दोनों ग्रह अस्त चलने के कारण से इस वक्त कहीं ना कहीं जो मनोमस्तिष्क में विचार हैं आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो धीरे धीरे लुपा रहे हैं, उनमें विशेष तौर पर शक्ति कम है, तो गौ पूजन करने से दोनों ग्रहों को शक्ति प्राप्त होने के योग बनेंगे, तो ये अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 18 तारीख की। 18 तारीख को शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विराजमान है, कन्या राशि में सुबह सुबह चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं 4:03 पर, ये गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। धन भाव में चंद्रमा जाने के कारण से और साथ साथ बृहस्पति की उन पर दृष्टि होने के कारण से केतु के साथ ये योग बनने से विशेष तौर पर विशेष धन लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में शनि को गौर पसंद कर लीजिए, शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में विराजमान है और प्रोसेस को थोड़ा स्लो करते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मंगल अष्टम भाव में विराजमान होकर नए संपर्कों को इजाफा करने के योग देंगे अवश्य, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एकाकी भाव, देखिए आपकी राशि सिंह और ऐसे में मंगल का अष्टम भाव में होना और ज़्यादा लोग आपको एरोगेंसी की तरफ ले जा सकते हैं, आपके विचार थोड़ा सा आपको सरलता का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में शनिवार का अवसर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख को रविवार का अवसर, एकादशी का योग, रविवार का दिन और एकादशी का योग बड़ा सुंदर है और एकादशी भी इस बार मोहिनी एकादशी पड़ रही है। इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है, जो भद्रा है वो विशेष तौर पर वो भी रहेगी। सुबह सूर्य से उदय से पहले आरंभ होकर करीब करीब दोपहर को 2 बजे तक ये भद्रा का योग दिखाई देता है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ऐसे में शुक्र ग्रह भी अपने घर में जा रहे हैं परिवर्तन करके, जहां सूर्य पहले से विराजमान है, बृहस्पति पहले से विराजमान है, वहीं सुबह 8:42 पर जो शुक्र हैं वो भी बन जाएंगे। दो विचित्र प्रकार के ग्रह, दोनों के दोनों ज्ञानवान और दोनों के दोनों शुभ ग्रहों का योग, एक देवगुरु एक दैत्य गुरु, दोनों का परस्पर एक राशि में संयोग विचारों को थोड़ी भिन्नता देने के योग बनाएगा। तो ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें, भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने से और भगवान का समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनेंगे। जब बुद्धि विचित्र रूप से चलती है ना, तो कई बार अनिष्ट योग बन जाते हैं। मोहिनी अवतार भगवान ने, मोहिनी एकादशी है, समस्त प्रकार से भगवान जब मोहित कर लें तो कहा जाता है कि कैसे भी कष्ट का निवारण कर जाते हैं। देखिए जब विशेष तौर पर भस्मासुर ने भगवान पर कष्ट दिया, भगवान शंभू पर कष्ट देने के योग बनाए, तो भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके भस्मासुर का ही संहार किया। तो ऐसे में सुंदर तरीके से कर लीजिए कि ध्यान करें कि भगवान का भक्त बनने का प्रयास करें। भगवान भक्त बनकर आप सुंदर प्रकार से ऐसी लीला रचते हैं कि आपके समस्त कष्टों का संहार करने का योग बना लेते हैं। तो कैसा भी कष्ट जीवन में हो, यदि भगवान का भक्त बनकर अनंत प्रकार से भगवान की सुंदर तरीके से अनंत आराधना की जाए, आनंद से आराधना की जाए, तो समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो ये कथा वही हमको बताने का प्रयास करती है। रविवार का अवसर, एकादशी का योग, चावल का त्याग करें, हो सके तो एकादशी का सुंदर व्रत करने का प्रयास करें, यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग है और इस कलिकाल में एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए।
30 यदि हम बात करें तो 20 मई की बात कर रहे हैं, सोमवार का अवसर है और ये अद्भुत योग है, सोम प्रदोष का योग बन गया है। द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग है, ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है। जो चंद्रमा सुंदर तरीके से आपकी राशि में धन भाव में बैठकर सुंदर योग बना रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर धन लाभ के योग, मान सम्मान के बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। और ऐसे में सुबह सुबह भगवान शिव का सुंदर तरीके से अभिषेक करें, शाम के समय भगवान का रुद्राभिषेक करें। दूध से रुद्राभिषेक करना आपकी राशि के अनुसार से संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा और संपूर्ण रूप से कल्याण करने के योग बनाने वाला रहेगा। देखिए, हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष समस्त ग्रहों के योगायोग को समझते हुए दिव्य पौराणिक का जो उपाय है वही बताने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर आज ज्योतिष जो है वो ऐसे उपाय बताने के प्रयास कर रहे हैं कि जो केवल टोटके के रूप में होते हैं। पौराणिक मत कथाओं के माध्यम से शास्त्र में हमारी समस्याओं का निवारण करने का एक तो सूत्र भी समझाते हैं और साथ साथ उस रहस्य को भी बताते हैं कि इन उपायों को किस रूप से क्यों करना चाहिए। उन तमाम पौराणिक कथाओं का विशेष तौर पर यदि विश्लेषण करें और उन पंचांग में दी गई तिथियों को समझने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, अनेक अनेक ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए जो वहाँ कथाएँ वर्णित की गई हैं, चाहे वो एकादशी की कथाएँ हों, चाहे वो पुराण में किसी रूप में भी उन सब शास्त्रों के अनुसार से बात बताई गई हैं, वो समस्त प्रकार से कहीं ना कहीं पराप्रकृति के अनुगामी है, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। चाहे वो भगवान किसी भी रूप में भगवान का पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, मंत्र जप करना, दान करना, ये सब के सब वास्तविक तौर पर आपके इन रहस्यों को उद्घित करते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में सरलता से बड़े बिना किसी बहुत बड़े प्रयास से अपने बड़े से बड़े भयंकर कष्ट को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो इन सब कथाओं के माध्यम से जिस प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट आए, आप सोचिए भगवान शंभू के जीवन में भी सरलता के कारण से कैसा कष्ट आया। देखिए, भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उसके बाद वरदान देने के बाद कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो अंगा उसका वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसने मन में बुद्धि जाग, कहाँ से दुर्विचार जागा कि भगवान आपके सिर पे रख देता हूँ हाथ, पहले आप ही टेस्ट करके बताओ। तो भगवान शंभू वहाँ से निकलना पड़ा उनको वहाँ से, क्योंकि वरदान था उसको, पर वो वरदान निष्क्रिय हो नहीं सकता था। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शंभू की वहाँ पर जाके रक्षा करी और जैसे उसको मोहित करने के उपरांत मोहिनी अवतार धारण किया और नृत्य करते करते उसको भी अपने साथ नचाते नचाते जैसे ही भस्मासुर ने अपने भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा और उस भस्मासुर ने भी अपने ही हाथ को अपने सिर पे रख लिया और वो विध्वंस को प्राप्त हुआ। तो ये कथा दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी रूप में छोड़ते नहीं, कहीं भी उनके जीवन में कष्ट हो तो उससे निवृत्ति करने का योग बनाते हैं। तो अपने शास्त्र को, अपने विशेष तौर पर पुरानी कथाओं को सुंदर रूप से हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष तौर पर ये सब नृत्य जो भी कथाओं के रूप से मानवीयकरण रूप में कथाओं को उपस्थित किया गया है, मेरे और आपके मन के प्रश्नों को दूर करने के लिए दिया गया है। हमारे जब तक मन में अनेक अनेक प्रकार से, ये कहीं भी इस प्रकार से नहीं कि भगवान कोई शक्ति से कम है या ज़्यादा है, ये सारे भाव ऐसे हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से विद्वान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए, शक्ति संपन्न होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हो जाती हैं और उस त्रुटियों का हमें भोग भी भोगना पड़ता है। लेकिन यदि हम तत्वनिष्ठ रहे, सत्य का आचरण करते रहें, भगवान का भजन करते रहें, शंभू करते क्या है, नित्यपति भगवान का स्तवन ही करते हैं, उनको आँख में बंद कर किसका नाम स्मरण करते हैं, भगवान का ही तो, प्रभु परात्परब्रह्म का ही तो नाम स्मरण करते हैं। शास्त्र में यहाँ इन तीनों शक्तियों में कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। तो हम इसी सूत्र को समझते हुए, इन्हीं रूपों को समझते हुए जो हम उपाय आपको नित्यपति बताते हैं, उन सबको निदान करते हुए अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आज हमारे शास्त्र पर अनेक प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। शास्त्र कहीं गलत नहीं है, मेरा जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, किसी विद्वान में कोई ना कोई मिसइंटरप्रिटेशन करने की बात हो सकती है, लेकिन शास्त्र में जो भी कथाएं उपस्थित की गई हैं वो सारी की सारी हमारे जीवन में कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। ये विवेकानंद योगाश्रम, मैं आचार्य विक्रमादित्य इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष इन सब रहस्यों को धीरे धीरे रखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम इन कथाओं को भी आपके समक्ष रखते हैं तो जिससे आपके प्रश्नों का भी समाधान हो। और विवेकानंद योगाश्रम में तो इस संबंध में बहुत सारा अद्भुत कार्य किया जा रहा है, स्वाध्याय कराया जा रहा है। हर रविवार को विशेष तौर पर जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन हम उस कार्यक्रम में स्वाध्याय की व्यवस्था कराते हैं। आप स्वयं उसमें भाग ले सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति बताई गई है। लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि आज हमारी संस्कृति यज्ञ शून्य होती चली जा रही है, यज्ञ हमारे जीवन में है ही, होता ही नहीं है। जहाँ जिस जगह कहा गया था बलि विश्वदेव यज्ञ जैसे हमारे संस्कृति में उपस्थित किए गए कि नित्यपति हर व्यक्ति को अवश्य यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए, पहले तो चलो क्या हुआ यज्ञ धीरे धीरे
आक्रांताओं के कारण से संस्कृति का धीरे धीरे लोप होने का प्रयास होता रहा। फिर जो मॉडर्न व्यवस्था बनी उसके कारण से हम धीरे धीरे ऐसे हो गए कि ना हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना पाए पूरी तरह से, ना अपनी संस्कृति को। पाश्चात्य देश आज हमारी संस्कृति को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो विश्लेषण है कितने सुंदर रूप से प्रकृति के साथ जोड़ने का है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग आज भी हमारी ही संस्कृति के अंदर ना समझते हुए, अज्ञान रखते हुए आज हमारी संस्कृति का ही उपहास करने का प्रयास करें। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को पुनः उस संस्कृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें, और ये संस्कृति बड़ी सुंदर है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम इन सब बातों को, कथाओं को धीरे धीरे आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का हमें हम भेज सकते हैं, उन सबके निदान भी देंगे। हाँ, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से तो अवश्य, ज्योतिष एक चमत्कारी विज्ञान है, परम वैज्ञानिक विज्ञान है, जो आज बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स के द्वारा जिन कालगणनाओं को आज नासा जैसे साइंटिस्ट वहाँ उपस्थित करते हैं, यदि पंचांग को हम देखें तो वहाँ उसका एक रूप अवश्य उपस्थित है। यदि उसको उनके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कहीं ना कहीं उन गणनाओं को हम नासा की जो मॉडर्न कैलकुलेशंस हैं उनके कहीं समकक्ष ही पाएंगे। तो कैसे हमारे ऋषि उन्होंने इतनी सुंदर चीज़ उपस्थित करी उस समय में, जहाँ ना सैटेलाइट्स थे, ना टेलीस्कोप्स थे, ना कोई विशेष तौर पर कंप्यूटर्स अवेलेबल थे। तो आप समझें कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है, वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ चाहे योग, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा, चाहे विज्ञान, जो भी बातें बताई गई हैं शास्त्र में वो बिल्कुल प्रमाणित हैं। उन सबको हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो बड़ा सुंदर आपके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा, जीवन को जीना भी आसान होगा, और जीवन जीने की कला हमारे संस्कृति के अलावा तो शायद किसी और संस्कृति में इतनी सुंदर तरीके से नहीं बताई गई है। विवेकानंद योग आश्रम में आप बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए पधार सकते हैं, हम समय समय पर आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान देते हैं। तो और भी यदि आपकी जन्मपत्री में कोई कष्ट आपको समझ में आ रहा है, वो कोई लग रहा है, कई बार हमारे मनोभाव में भी आता है, आपके मन में आने वाले विचारों को अभी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए आपके विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है यावत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस परमात्मा, जैसे इन संपूर्ण आप भी, ये कहा गया है कि इसी शरीर रूपी पिंड के स्वयं ब्रह्म हैं, स्वयं उसके मालिक हैं, तो आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन परमात्म तत्व से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बातें इंट्यूशन के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में आती हैं, तो उसको यदि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बात आ रही है तो उसको जन्मपत्री के साथ, विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, वो सत्य होती हैं और उनमें आप अनुभव का लाभ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि हम इस चैनल के माध्यम से, आश्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहें, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, वेबसाइट एड्रेस अवेलेबल है, विवेकानंद योग आश्रम का एड्रेस अवेलेबल है। आइए विवेकानंद योग आश्रम में, हमारे साथ मिलकर सुंदर संस्कृति का निर्माण करें। धन्यवाद।